So now we are doing section 140, that is removal and resignation of an auditor. किसकी बात कर रहे हैं अपन? Removal and resignation of an auditor. Section 139 के अंदर हमने किस चीज की बात करी? Section 139 के अंदर हमने बात करा अपॉइंटमेंट के बारे में, डिम्ड रीअपॉइंटमेंट के बारे में, रोटेशन के बारे में एंड कैजुअल वैकेंसी के बारे में. एंड सेक्शन 140 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिमूवल एंड रेजिग्नेशन के बारे में. अब देखना, सेक्शन 140 कंसिस्ट ऑफ फाइव सब सेक्शंस, पांच सब सेक्शंस हैं. सबसे पहला, व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिमूव द ऑडिटर. सबसे पहला सब सेक्शन, प्रोसीजर टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म. कि अगर ऑडिटर को उसके टर्म से पहले निकालना है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है. उसके बाद सब सेक्शन टू के अंदर वी आर गोइंग टू डील विथ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की बात करने वाले हैं. कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा उसको किसको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, विच आर द अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन. सबसेक्शन 3 स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर 140 सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 4 के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न ए कॉन्सेप्ट, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय स्पेशल नोटिस. रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय स्पेशल नोटिस. एंड सब सेक्शन 5 के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल. रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल. कि ऑडिटर को कौन निकाल रहा है यहाँ पे? ट्रिब्यूनल निकाल रहा है. तो कुल मिलाकर सेक्शन 140 के अंदर हम लोग ये पांच सब सेक्शंस पढ़ने वाले हैं. बहुत सिंपल है, सब सेक्शन के साथ याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सब सेक्शन 1 में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऑडिटर को उसके टर्म से पहले निकालना है, मतलब उसका जो टर्म फिक्स करा है, इंडिविजुअल है तो हो सकता है 5 ईयर्स का टर्म फिक्स करा हो, फर्म है तो 10 ईयर्स का फर्म फिक्स कर रखा हो, जो भी टर्म फिक्स कर रखा है, अगर टर्म से पहले ऑडिटर को रिमूव किया जा रहा है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है. सब सेक्शन 2 के अंदर वी आर गोइंग टू डील विद रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. सब सेक्शन 3 के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी पेनल्टी फॉर 140 सब सेक्शन 2, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 140 सब सेक्शन 2. सब सेक्शन 4 के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय वे ऑफ स्पेशल नोटिस. एंड सब सेक्शन 5 के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल. देखना, सबसे पहले प्रोसीजर टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म. अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करें तो सबसे पहले कहा लॉ मेकर ने कि आप बोल्ड रेजोल्यूशन पास करें. क्या करें? आप बोल्ड रेजोल्यूशन पास करें, ठीक है ना. व्हाट यू डू इज यू हैव टू पास द बोल्ड रेजोल्यूशन. उसके बाद कहा कि बोल्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, ओके. अब दो रिक्वायरमेंट और है. पहले मैं आपसे एक आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं, आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उसके बाद आप मुझे सवाल का जवाब देना, फिर आगे बढ़ेंगे. बोला दो रिक्वायरमेंट और है. क्या बोला? एक तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और एक सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो भाई स्पेशल रेजोल्यूशन तो मुझे समझ में आता है कि ऑडिटर को टर्म से पहले निकाला जा रहा है, बोल के स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए बिकॉज वो मालिक है. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों आ गया यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस है? बिकॉज ऑडिटर को आप टर्म से पहले निकाल रहे हो. तो अगर आप ऑडिटर को टर्म से पहले निकाल रहे हो, उसका टेन्योर खत्म होने का भी वेट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ फ्रॉड वगैरह होने के इंडिकेशंस हैं, फ्रॉड वगैरह होने के पॉसिबल चांसेस हैं. एंड साथ ही साथ क्या चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए. मतलब बहुत लॉजिकल सी चीज़ है कि आप ऑडिटर को टर्म से पहले निकालना चाहते हो, एक तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक मालिकों का अप्रूवल चाहिए, दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होगी. एंड साथ ही साथ बिकॉज यहाँ पे आप ऑडिटर को टर्म से पहले निकाल रहे हो, टेन्योर तक भी वेट नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं दिस इज अ इंडिकेशन फॉर फ्रॉड कि हो सकता है कि फ्रॉड वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए. अब मेरा आपसे एक सवाल है. सवाल क्या है? हमने तीन कंप्लायंसेस डिस्कस करे, दैट इज बोर्ड रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. अब आप मुझे एक चीज बताना. चलो एमसीक्यू खेलते हैं. एमसीक्यू एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको कि टेल मी वन थिंग, व्हाट शल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर कंप्लायंसेस. करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? पहले हम बोर्ड रिजोल्यूशन पास करें. पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, इसमें तो आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है किसी को. पहले हम बोर्ड रिजोल्यूशन पास करें, उसके बाद हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें, उसके बाद हम सीजी अप्रूवल लें. ये वाला सिक्वेंस करेक्ट है? या फिर पहले हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें फिर हम सीजी अप्रूवल ले लें फिर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें?
तो टेल मी कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा करेक्ट लगता है। सर सर हमें बोर्ड रिजोल्यूशन के बाद क्या करें क्या करें, SR या CG अप्रूवल क्या करें क्या करें क्या करें, पहले सोच लो अच्छे से। सोच लिया, पोज कर लो, सोच लो, ठीक है अब बता रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ सोच लिया आपने। अब देखो लॉजिकल से चीज़ सोचो, एज्यूम करो कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए आपने जनरल मीटिंग बुलाया होगा, जनरल मीटिंग बुलाने के लिए सारे कंप्लायंसेस करे होंगे, फिर SR पास करा होगा, फिर आप CG के पास अप्रूवल के लिए जाते हो और CG मना कर देता है, जस्ट इमेजिन। ऑन द अदर एंड आपने पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया, आपने CG का अप्रूवल ले लिया। अब अगर CG के अप्रूवल ले ही चुके हो तो मेंबर्स भी अपने आप अप्रूव कर देंगे, बिकॉज अगर CG ने भी अप्रूव कर दिया है तो जस्टिफाइड ग्राउंड ही लग रहा है रिमूवल का। तो विच इज अ मोर लॉजिकल ग्राउंड, द सेकेंड सिनेरियो इज मच मोर लॉजिकल, है ना, द सेकेंड सिनेरियो इज मच मोर लॉजिकल, यस। तो वट वी आर गोइंग टू डू इज, ये इंटेंशनली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा था आपको कन्फ्यूज करने के लिए। फर्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू पास बोर्ड रिजोल्यूशन, then we are required to take the approval of the CG, take CG approval, and third we are required to pass the special resolution. इसके लिए भी क्या बोला है, बोला कि जैसे आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लो ना तो within 30 days make an application to the central government, within 30 days make an application to the central government, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाएगा ना पास SR विथ इन 60 डेज। लॉ मेकर भी बड़ा समझदार है, उसको यह पता है कि बोर्ड रिजोल्यूशन तो चलो घर की बात है, बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास कर लेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भी दे देंगे कोई बात नहीं चलो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने टाइम में अप्रूव करेगा इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है भाई। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि आप जैसे ही बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हो आपका काम है कि आप 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने टाइम में अप्रूव करेगा यहाँ कुछ नहीं कहा, बोला जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा उसके 60 डेज के अंदर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने घर में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दीजिए, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद 30 डेज के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दीजिए, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा उसके 60 डेज के अंदर आप जनरल मीटिंग बुला लीजिए और स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लीजिए। ये स्टेप्स अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लिख देते हो तो इट्स फाइन, बट अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप अगर इतना सा स्टेप लिख के आओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको इसको प्रॉपरली इलाबरेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे इलाबरेट, कैसे करोगे इलाबरेट सोचो, प्रोसीजर फॉर रिमूवल क्या बन जाएगा। स्टेप 1, The board of directors are required to give notice of board meeting to all its directors. स्टेप 2 क्या करेंगे, पहले लिख दिया हमने द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल इट्स डायरेक्टर्स, कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग, स्टेप 3 पास ए बोर्ड रिजोल्यूशन, BR लिख रहा हूं आपको फुल फॉर्म में लिखना है एग्जाम में, पास ए बोर्ड रिजोल्यूशन एट ड्यूली कन्वेन्ड बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो सेम चीज, सिर्फ आप क्या लिख के आते एग्जाम में, पास बोर्ड रिजोल्यूशन। अब उसी चीज को हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड करके लिख दिया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, कन्वीन ए बोर्ड मीटिंग, पास ए बोर्ड रिजोल्यूशन एट द ड्यूली कन्वेन्ड बोर्ड मीटिंग। अब क्या करना है भाई अपने को, स्टेप 4, पहले जो 3 स्टेप्स हैं ये सिर्फ 1 पॉइंट को डील करता है, बोर्ड रिजोल्यूशन। स्टेप 4, गिव एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, विथ इन 30 डेज ऑफ पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन for obtaining its approval.
फॉर ऑब्टेनिंग इट्स अप्रूवल। फिर क्या होगा? स्टेप फाइव, वंस द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्टेन्ड, वंस द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्टेन्ड, वंस द अप्रूवल ऑफ सी जी इज ऑब्टेन्ड, कोमा प्रोसीड टू कॉल ए जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज। अब स्टेप सिक्स क्या हो जाएगा? दैट इज गिव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल इट्स मेंबर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल गिव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल इट्स मेंबर्स 21 डेज बिफोर द मीटिंग, है ना? ऊपर लिख सकते हो 7 डेज बिफोर द मीटिंग, बिकॉज बोर्ड मीटिंग के लिए 7 डेज होता है, जनरल मीटिंग के लिए 21 डेज होता है। स्टेप 7, पास स्पेशल रिजोल्यूशन एट ड्यूली कन्वेंट जनरल मीटिंग। और अब एक तरीके से कहा जाए तो स्टेप्स खत्म हो गए सारे के सारे, लेकिन जब भी ऑडिटर को आप रिमूव करोगे, जब भी ऑडिटर को आप रिमूव करोगे आफ्टर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, सीजी का अप्रूवल ले लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट देना पड़ेगा ऑडिटर को। तो अब क्या हो जाएगा अगले पैराग्राफ में? बिफोर रिमूविंग द ऑडिटर कोमा opportunity of being heard is to be given, that is principle of natural justice is to be followed। opportunity of being heard को आप क्या बोलते हो? principle of natural justice भी बोलते हो। That is principle of natural justice is to be followed। That is, अब देखना, आपन जब कंपनी लॉ का पार्ट डिस्कस करते हैं ना, तब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंपनी ऑडिट डिस्कस करते वक्त भी बता देता हूं, एक टिप दे रहा हूं आपको छोटा सा। दैट इज, चाहे लॉ हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे DT IDT हो, हर जगह ये टिप काम आएगा, स्पेशली DT IDT में सबसे ज्यादा काम आएगा, यस DT IDT के अंदर। आप देखो ये जो शब्द है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बार बार यूज होता है, रिपीटेडली यूज होता है। आप देखो जहां भी अपील्स का पार्ट कहीं भी आ जाता है, कहीं भी नेचुरल जस्टिस की बात आ जाती है, कहीं भी कोर्ट कचहरी का मामला आ जाता है, हमेशा ये शब्द यूज हो जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना? इसी के लिए ना एक लैटिन एक्सप्रेशन है, पता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दिस इज अ लैटिन एक्सप्रेशन फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड। तो आप क्या लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली? प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम मस्ट बी फॉलोड। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा आपको, आपके स्टडी मैट चेक कर लीजिए, ICAI का स्टडी मटेरियल, आपको किसी ऑथर्ड बुक में ये शब्द नहीं मिलेंगे, बट ICAI ने स्टडी मैट में ये शब्द यूज कर रखे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम मस्ट बी फॉलोड, बट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दैट इट मीन्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, वो करना मत भूलिएगा। और ये चीज आप DT IDT हर जगह फॉलो कर सकते हो, बड़ा मस्त रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस। प्रोसेस दिखने में बड़ा शब्द सिंपल लग रहा था, बैरक में भी बड़े सिंपल शब्दों में दिया था, हाँ भाई द ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एंड बाई पासिंग ए बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। बट उसी तीन स्टेप्स को आप 7 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो, उसी तीन सेंटेंसेस को, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। दिस इज दैट विच क्रिएट्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ स्टूडेंट गेटिंग 40 मार्क्स एंड अनदर स्टूडेंट हु इज गेटिंग 70 मार्क्स। ठीक है, तो किस तरीके से हमने समराइज कर दिया? स्टेप 1,
The board of directors are required to give notice of board meeting to all its directors. Step 2. Convene a board meeting. Step 3. Pass a board resolution at the duly convened meeting. Step 4. Give an application to the central government within 30 days of passing board resolution for obtaining its approval. Step 5. Once the approval of CG is obtained, proceed to call a general meeting within 60 days. Step 6. That is, give the notice of general meeting to all its members 21 days before the meeting. Step 7. That is, pass a special resolution at a duly convened general meeting. And then before removing the auditor, opportunity of being heard is to be followed. That is, the principle of natural justice is to be followed and the principle of audi alteram partem must be followed. तो ये क्या हो गया सर, अपना पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया. This is 140 sub section 1. अगर किसने नोट डाउन नहीं करा है फटाफट नोट डाउन कर लीजिए. So now we are coming to 140 subsection 2, that is resignation of auditor. क्या auditor resign कर सकता है, हाँ या ना? क्या auditor resign कर सकता है? The answer is already yes. Auditor of the company can furnish his resignation. Auditor क्या कर सकता है? Resign कर सकता है. But इस चीज का answer ना companies act straight forward नहीं देता. मैंने जो आपसे पूछा, can auditor furnish his resignation, तो as such companies act जो है इसका answer straight forward नहीं देता. No straight forward answer. कंपनीज एक्ट सिर्फ प्रोसेस बताता है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा तो उसको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा. कंपनीज एक्ट क्या करता है, सिर्फ प्रोसेस बताता है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा तो उसको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा. अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर आए, तो जब आप स्टैंडर्ड्स डिस्कस करोगे, तो वहां पर आप डिस्कस देखते हो हमेशा द ऑडिटर shall withdraw only in exceptional cases. If permitted by law. ठीक है, तो जब आप स्टैंडर्ड्स करते हो ना, तो स्टैंडर्ड्स में आप देखते हो कि द ऑडिटर शैल विड्रॉ ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस ओनली इफ परमिटेड बाय लॉ. और कंपनीज एक्ट एज सच स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है. यानी कुल मिलाकर कहानी ये बनती है कि आज की तारीख में जो लॉ है उसके हिसाब से ऑडिटर कैन फर्निश हिज रेजिग्नेशन. हालांकि यहां पर लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना. जैसे अभी हुआ था कि कुल मिलाकर एक ही ईयर के अंदर, एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30 ऑडिटर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन. 30 ऑडिटर्स, कैन यू इमेजिन, 30 ऑडिटर्स ने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया. अब जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिमार्क्स आए कि आईसीआई को क्या करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को रिव्यू करना चाहिए और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिव्यू करके देखना चाहिए कि जो रिमूवल ऑफ ऑडिटर वाला पार्ट है वो क्या इतना लिबरल है, और उस प्रोसेस को दोबारा से ऐसे को रिव्यू करना चाहिए, उसको और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए. बिकॉज प्रैक्टिकली आज की तारीख में एक ऑडिटर
आज की तारीख में एक ऑडिटर के लिए मैनेजमेंट के साथ मिलकर घपला करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज पेनल्टीज वगैरह बहुत हैं। तो ऑडिटर्स क्या करते हैं कि अगर कहीं लफड़ाबाजी लग रहा है ना, तो रिपोर्ट को साइन ही नहीं करते और साथ ही साथ विड्रॉ कर लेते हैं। बट प्रैक्टिकली ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई भी फ्रॉड दिख रहा है, कोई भी एडवर्स रिमार्क दिख रहा है, तो उसको मेंशन करना चाहिए। बट ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर विड्रॉ कर लेते हैं साइटिंग की, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी आर विड्रॉइंग। ऑडिटर क्या कर लेता है वहाँ पे? विड्रॉ कर लेता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देते वक्त रीजन स्पेसिफाई नहीं करता है, या सिर्फ इतना कह के विड्रॉ कर लेता है कि मैनेजमेंट ने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और जो एक्चुअल तथ्य है वो नहीं बताता ऑडिटर। बिकॉज आज की तारीख में लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या बोला कि आपको क्या करना चाहिए, लॉ को रिवाइज करना चाहिए। एनीवेज दैट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। अब आते हैं हम एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट पे, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा ना, तो रिजाइन करते वक्त उसको क्या करना पड़ेगा? द ऑडिटर हु हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, ही हैज टू इंटीमेट About his resignation within a period of 30 days from the date of resignation, within a period of 30 days from the date of resignation to the company and the ROC, and अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है, ही ऑल्सो हैज टू इंटीमेट टू द CAG। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए कि उसको इंटीमेट करना चाहिए अपने रेजिग्नेशन के बारे में विथिन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन टू द कंपनी एंड द ROC, प्लस ऑल्सो स्पेसिफाई द reasons ऑफ इंडिकेशन, प्लस ऑल्सो स्पेसिफाई द रीजन ऑफ रेजिग्नेशन, कि आखिर उसने रिजाइन क्यों किया, ठीक है ना? प्लस ऑल्सो स्पेसिफाई द रीजन ऑफ रेजिग्नेशन। तो जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है, उसको क्या करना चाहिए? अपने रेजिग्नेशन से 30 दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट सबमिट कर देना चाहिए, जिसमें रेजिग्नेशन के रीजंस बताने चाहिए उसे ROC को। तो एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रिजाइन कर रहा हूँ किसी कंपनी से, तो पहले तो मेरे को उस कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, और दूसरा मेरे को ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा, विथ रीजंस इंटीमेट करना पड़ेगा कि बॉस आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस कंपनी, ठीक है ना? और अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है, तो वो वहां पे क्या करने वाला है, CAG को भी इंटीमेट करने वाला है। अब देखो, अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाने के लिए आप किस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कैन द ऑडिटर सबमिट इज रेजिग्नेशन, या फिर ऑडिटर ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया, बताओ उसको क्या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना होगा, आप इस तरीके से लिखना, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शैल विथिन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन, और फिर बताना कि उसको क्या क्या इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा। अब मजे की एक और बात बताऊं, अगर ऑडिटर ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, क्या मैं कह सकता हूं ये कैजुअल वैकेंसी की सिचुएशन अराइज हो गई ऑफिस में? द आंसर इज यस। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू ए कैजुअल वैकेंसी अंडर 139 सबसेक्शन 8। दिस ऑल्सो लीड्स टू ए कैजुअल वैकेंसी under section 139 subsection 8। तो देखो, एक सिंपल सा सवाल था, सबसे पहले सेक्शन 139 का रेफरेंस आ गया, फिर सेक्शन 140 का रेफरेंस आ गया, जो कि मेन सेक्शन है, 140 सबसेक्शन 2, और उसके बाद 139 सबसेक्शन 8 का रेफरेंस आ गया। और एक सिंपल सा सवाल, एक सिंपल सा प्रोविजन क्या बन गया? बहुत ही स्पेशल बन गया जब आपने इसमें इंटरलिंकिंग स्किल्स अपने अप्लाई कर दिए। सिमिलरली 140 सबसेक्शन 1 के अंदर आप लिख सकते हैं कि द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर अंडर 139 कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म आफ्टर फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, और उसके बाद वो प्रोसीजरल सारे स्टेप्स आप लिख सकते हैं। अब देखना, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम के लिए, वो है 143 सबसेक्शन 3, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 140 सबसेक्शन 2।
अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद उसने 30 दिनों के अंदर आरओसी को इंटीमेट नहीं किया, रीजंस नहीं बताए, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगने वाली है? तो ये जो पेनल्टी है इसमें अमेंडमेंट है, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो पेनल्टी है, बोला ₹50,000 और रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. कितना बोला? 50,000 और रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. ध्यान रखना ये मिनिमम पेनल्टी है. मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा. कितना लगेगा? ₹50,000 या फिर तुम्हारा जो भी रेमुनरेशन है विच एवर इज लेस. ₹50,000 या फिर जो भी तुम्हारा रेमुनरेशन है विच एवर इज लेस. अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है, अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है, पेनल्टी ऑफ ₹500 एवरी डे, पेनल्टी ऑफ ₹500 एवरी डे, पेनल्टी ऑफ ₹500 एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज. लेकिन कुल मिलाकर एक मैक्सिमम लिमिट भी तो होनी चाहिए. कब तक ₹500 की पेनल्टी लगते जाएगी? तो यहां पे बोला है ₹5,00,000. तो जो पेनल्टी लगने वाला है ऑडिटर के ऊपर फॉर नॉट इंटीमेटिंग अबाउट हिज रेजिग्नेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम ₹50,000 और रेमुनरेशन विच एवर इज लेस. अगर ये कंटिन्यूइंग फेलियर है तो पेनल्टी ऑफ ₹500 एवरी डे, एंड मैक्सिमम जो पेनल्टी लगने वाली है वो लगने वाली है ₹5,00,000. प्लीज मार्क दिस पेनल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आपके बुक में शायद ये पेनल्टी अमेंडेड ना हो. तो अगर ये पेनल्टी अमेंडेड नहीं है तो उसमें ये वाला पार्ट मिसिंग रहेगा, बिकॉज यही वाला पार्ट एड हुआ है. कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में पेनल्टी ऑफ ₹500 एवरी डे, तो प्लीज इस पार्ट को ऐड कर लीजिए. तो कुल मिलाकर अब कहानी क्या बनती है भाई? कुल मिलाकर कहानी ये बनती है 140 सबसेक्शन 2 के हिसाब से कि जो भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 139 के अंदर हुआ था, अगर वो रिजाइन करता है तो उसको रिजाइन करने के बाद 30 डेज के अंदर एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट करना है, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करना है विथ रीजंस बताने हैं, और साथ ही साथ स्पेसिफाई करना है रीजंस फॉर रेजिग्नेशन. और अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो उसको कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी इंटीमेट करना है, ठीक है ना. And this also leads to a casual vacancy under section 139 subsection 8. And what is the penalty for contravention of 140 subsection 2? 140 subsection 3 कहता है कि जो penalty लगने वाला है contravention के लिए, that is minimum ₹50,000 or the remuneration whichever is less. Continuing failure के केस में penalty of ₹500 every day, और जो maximum penalty लगने वाला है that is ₹5,00,000. तो कुल मिलाकर अभी तक हमने 3 subsections discuss किया है, 140 subsection 1, subsection 2, subsection 3. Subsection 1 क्या था? That is process to remove the auditor before the expiry of the term. तो the auditor, the person who has been appointed under section 139 can be removed before the expiry of his term by fulfilling the following process. फिर वो 7 steps आ जाएंगे, 140 subsection 2 and subsection 3, that is about the resignations. तो एक बार इतने को अच्छे से revise कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं.